आज हम क्लास फोर के चैप्टर फाइव का टॉपिक पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के बारे में हम देखते हैं। सॉलिड जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिजिड होती है या हार्ड सब्सटेंस होते हैं, यानी सख्त या ठोस होती हैं। अब हीट जो है ये सॉलिड पर किस तरह से इफेक्ट करेगी ये आज हम पढ़ेंगे। टेक सम पीसेस ऑफ आइस इन अ बाउल, हम कुछ बर्फ के टुकड़े रहते हैं बाउल में। दिस वाटर इज इन सॉलिड स्टेट, ये वाटर क्या है सॉलिड, यानी कि हमने जो बर्फ के पीसेस दिए ये किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। हीट इट ओवर द बर्नर, इसको हीट देंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, अब हम मुशाहिदा करेंगे कि क्या होता है। सॉलिड आइस स्टार्ट टू चेंज इनटू लिक्विड्स, यानी सॉलिड बर्फ के जो टुकड़े हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में। कैन अदर सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड्स, क्या दूसरे सॉलिड्स चेंज हो जाते हैं लिक्विड्स में। यस अदर सॉलिड्स कैन आल्सो चेंज इनटू लिक्विड्स एट अ हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पर सॉलिड जो है ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। सेकेंड, कि किस तरह से हीट जो है ये लिक्विड पर इफेक्ट करती है। प्योर सम वाटर इन अ पैन एंड हीट इट, हम कुछ वाटर लेते हैं पैन में और उसको हीट देते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, क्या होगा अगर हम वाटर को जो है बॉयल करेंगे। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, ये वाटर जो था ये किस में चेंज हो रहा है, ये वाटर वेपर्स यानी आबी बुखार में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर इज कोल्ड इट चेंजेस बैक इनटू वाटर, जब ये वाटर वेपर जो होते हैं ये कोल्ड यानी ठंडे हो जाते हैं तो ये वापस वाटर में चेंज हो जाते हैं। वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा कि सॉलिड के तीन स्टेट्स होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। गैस जो है ये थर्ड स्टेट से है। कैन अदर सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड्स, क्या दूसरे कैन अदर लिक्विड्स चेंजेस इनटू गैस, क्या दूसरे लिक्विड्स जो है ये चेंज हो जाते हैं गैसेस में। यस अदर लिक्विड्स चेंज इनटू गैसेस, लिक्विड्स भी है ये गैसेस में चेंज हो जाते हैं। हमने थ्योरी वाइज पढ़ लिया है, अब हम वीडियो की मदद से ज़्यादा समझेंगे। सलाम दोस्तों, मैं हूँ आइस क्यूब यानी बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा। मैं मैटर हूँ, मैं इस वक्त सॉलिड की हालत यानी स्टेट में मौजूद हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है, यानी मैं मुख्तलिफ स्टेट्स या हालतों में तब्दील हो सकती हूँ। मैं अभी एक सफर पर जाने वाली हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ हालतें बदलूंगी। अपने साथ ले जाने से पहले मैं आपको मैटर की तीनों स्टेट्स की तरतीब याद दिलाना चाहती हूँ। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और सिर्फ अपनी जगह पर रहकर हिलते रहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होते हैं और थोड़ी सी हरकत कर सकते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं और बहुत ज्यादा हरकत कर सकते हैं। ओहो, देखें मेरा सफर बस शुरू हो गया। फ्रिज से बाहर आकर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं मेल्ट होकर पानी बन रही हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सॉलिड्स को हरारत यानी हीट दी जाती है तो उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज हो जाती है, जिसकी वजह से सॉलिड्स अपनी स्टेट्स बदलकर लिक्विड्स में तब्दील हो जाते हैं। ये अमल मेल्टिंग कहलाता है। क्या आपने कुछ और चीजों को सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हुए देखा है? बर्फ का पानी में तब्दील हो जाना, मोमबत्ती का पिघलना, और आइसक्रीम का पिघलना।
यहाँ हूँ, इधर। मैं पिघलकर पानी का पतला बन चुकी हूँ। आह गर्मी, अब मैं बॉयल होने वाली हूँ। जब लिक्विड्स को हीट दी जाती है तो उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और तेज हो जाती है, जिसकी वजह से लिक्विड्स अपनी स्टेट बदलकर गैस में तब्दील हो जाते हैं। ये अमल बॉइलिंग कहलाता है। देखें, अब हम आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स बन गए हैं। वाह, मैं उड़ रही हूँ। क्या आपने पानी के अलावा किसी और लिक्विड को उबलते हुए देखा है? चाय का उबलना। एक जरूरी बात सुने, लिक्विड्स को गैस में तब्दील होने के लिए हमेशा बॉयल नहीं करना पड़ता। ऐसा भी होता है कि लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स अपने माहौल से तवानाई हासिल करके वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को हम इवैपोरेशन कहते हैं। इवैपोरेशन और बॉइलिंग में सबसे ये होता है कि